एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15 क्लास 8 एनसीईआरटी क्या है। मेरे पास 300 रुपए मूल्य के, हम लोग क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि मेरे पास है हो, तुम्हारे पास हो, किसी के पास हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि कितना कितना का सिक्का हम लोग के पास है। हम लोग के पास है 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का और 5 रुपया का सिक्का है। समझ रहे बात? यहाँ क्या बोला, और ये सब सिक्का जो है कुल मिला के पूरा देता है 300 रुपया। क्या बोल सकते हैं कि जेब में 300 रुपया, किसी व्यक्ति के पास जेब में 300 रुपया है, उसके पास 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का और 5 का सिक्का है। और बोला क्या जा रहा है इसमें, कुछ लॉजिक वाला बात बोला कि 2 रुपये वाले जो सिक्के हैं ना, उसकी संख्या 5 रुपये वाले सिक्के की तिगुनी है। कॉन्सेप्ट यहीं पे है, बस यहीं पे है कॉन्सेप्ट, और कहीं नहीं है कॉन्सेप्ट। कि 2 रुपया वाला जो सिक्का है वह 5 रुपये वाले सिक्के का तिगुना है। तो 5 रुपये वाला सिक्का का तिगुना है, अगर 5 रुपया वाला 1 सिक्का तो 2 रुपया वाला 3x सिक्का। समझ में आ गया, तिगुना है तो टोटल 160 सिक्का है। तो 1 रुपये वाले सिक्के की संख्या क्या हो जाएगा, 160 में से 2 रुपया वाला सिक्का और 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या घटा देंगे, पता चल जाएगा। चलो करते हैं, तो ये बात हम मान लेते हैं कि माना कि क्या माना कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या को x मान लेते हैं, सिक्कों की संख्या को मान लेते हैं हम लोग क्या चीज x। 5 रुपये वाले कितने सिक्के हैं, x सिक्के है। तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या जो होगी, क्वेश्चन बोला है कि तिगुना है, किससे तिगुना है, तो 5 रुपये वाले से तिगुना है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की, तो टोटल सिक्का था 160, 160 में से 5 रुपया वाला भी घटेगा और 2 रुपया वाला भी घटेगा, तो आ जाएगा 160 - 4x। समझ में आ गया, कितना आसान सा कॉन्सेप्ट। कल भी इस तरह का क्वेश्चन किए थे हम लोग, देखो 1 सिक्का 1 रुपया का तो 1 रुपया मिलेगा, 2 सिक्का तो 2 रुपया, 3 सिक्का तो 3 रुपया, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। 5 रुपया का हम लोग के पास अगर 1 सिक्का हुआ तो 5 रुपया, 2 सिक्का हुआ तो 10 रुपया, 3 सिक्का हुआ तो 15 रुपया। ठीक उसी प्रकार 1 सिक्का हुआ तो 5x रुपया हम लोग के पास होगा, होगा ना। 2 रुपये वाला अगर 1 सिक्का होगा तो 2 रुपया, 2 सिक्का होगा तो 4 रुपया, 3 सिक्का होगा तो 3 रुपया। ऐसे क्या स्पष्ट है, जितना सिक्का तैसे गुना, 3 रुपया होगा तो 3 सिक्का, यानी कि 3 × 6 रुपया धन प्राप्त होगा। तो 2 और 3x से गुणा कर देंगे तो 6x रुपया प्राप्त हो जाएगा। 1 रुपया कितना अच्छा चीज है ना, जय गो रुपया, तय गो सिक्का, 1 सिक्का 1 रुपया, 2 सिक्का 2 रुपया, 3 सिक्का 3 रुपया, इसलिए इतना सिक्का 3 रुपया हो जाएगा। यह सबको जोड़ देंगे तब पूर जाएगा मेरे पास कितना रुपया, 3 रुपया। चलो देखते हैं प्रश्न से क्या करते हैं हम लोग, 5 रुपये वाला बात करेंगे तो धन मिलेगा हम लोग को 5x, प्लस 2 रुपया का बात करेंगे तो 2 × 3x, 1 रुपया का बात करेंगे तो 1 × 160 - 4x, तो कुल हमें इतना धन जो मिला वह धन जेब में पड़े सिक्के के बराबर था, यानी कि मेरे पास जितना पैसा था उसके बराबर, 300 रुपया के बराबर। देखो 5x + 3 × 6x प्लस 1 से गुणा करेंगे तो 160 एडिट जीरो हो जाएगा, 1 को इससे करेंगे तो -4x बराबर 300। ठीक है, 5 × 6 = 11, 11 में से 4 जाएगा तो 7 × 4 = 11 होता है 7x। वही बात, भैयारी भैयारी एक तरफ, मामानी के भाई एक तरफ, प्लस इधर आया तो -160। This implies 7x बराबर कितना आ जाएगा, ऐसे देखो तो 6 × 5 = 11, 11 में 4 गया तो 7। ठीक है, अब यहाँ से देखो घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 140। This implies x बराबर 140/7, 7 × 14 यानी कि 20, इसलिए x बराबर आ गया मेरा 20। x 20 आया और x मतलब क्या था, 5 रुपया वाला सिक्का था, 20 को 5 रुपया वाला सिक्का हो गया। आ रहा है हाँ, अतः 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या
बराबर 20, ठीक है। दो रुपए वाले सिक्कों की संख्या बराबर 3 × 20 यानी कि 60, क्लियर है। एक रुपए वाले सिक्कों की संख्या यानी कि 160 − 4 = 20, 20 × 80 यानी कि बच गया से 80, ठीक है। अगर तुम जोड़ के भी देखोगे तो तुम्हारा पूर जाएगा ये कितना 160, और बोला जी था कुल 160 सिक्का पूर गया ना, तो सही बना है। तो चलो नोट कर लो इसको।